अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हसीब मोहम्मद फ्रॉम कामराज एंटरप्राइजेस और आज हम बात करेंगे अबाउट कॉपर ट्रेंड्स। रिसेंटली क्या हुआ है कि कॉपर की कंजम्पशन चाइना में बहुत ज़्यादा कम हो गई है, जिसकी वजह से हमारी मार्केट जो 10,700 पे थी वो 9,000 पे आ गई है। चाइना जो है वो 58% ऑफ द वर्ल्ड्स कॉपर कंज्यूम करता है और विच इज़ वाई दे आर एबल टू मैनिपुलेट द मार्केट। अब चाइना की गवर्नमेंट ने उन्हें काफ़ी लैंडिंग दी थी रिसेंटली, जो जनवरी की रिकॉर्डेड लैंडिंग थी वो 3.58 ट्रिलियन युआन थी, विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि थोड़ा वो पुल बैक करेंगे इस लैंडिंग को, जिसकी वजह से जो चाइनीज़ कंज्यूमर्स हैं उन्होंने अपने जो प्रोडक्ट्स वो आगे परचेस कर रहे हैं उस पर वेटिंग लेस कर दी है। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, जो उनका कॉपर रॉड जो मैनुफैक्चरर्स हैं, जो लार्ज मैनुफैक्चरर्स हैं, उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कट डाउन कर दी है। तो अब हम एक डिलेमा में हैं कि हम सोच रहे हैं कि मार्केट कहाँ जाएगी। उन्होंने रिसेंटली अपने रिजर्व्स में से, जो उनके 2 मिलियन रिजर्व्स थे, उनमें से 20,000 टन कॉपर उन्होंने अलॉट भी किया आगे। बट मेन पॉइंट अभी है जो हम जिस पर हम फोकस करना चाह रहे हैं वो ये है कि मार्केट किस तरफ जाएगी, क्योंकि सप्लाई अभी तक वहीं पर है। मेनली ये मार्केट क्यों बढ़ रही थी, क्योंकि सप्लाई की हमारी शॉर्टेज थी और अभी भी सप्लाई की शॉर्टेज है, कोई चेंज नहीं आया। सिर्फ चाइना की पॉलिसी की वजह से एक थोड़ा बहुत किकबैक आया, और ये कितनी देर चाइना इस प्राइस को होल्ड कर सकता है बिकॉज ऑफ दिस किकबैक। करंटली जो मार्केट में प्रेडिक्शंस ये चल रही हैं कि कॉपर थोड़ी देर 9,000 पे सस्टेन करेगा और उसके बाद पॉसिबिलिटी है कि वापस अपवर्ड्स आए, बट इस पर कोई भी श्योरिटी के साथ कोई भी नहीं कह सकता। तो इसमें हमने क्या करना है कि कॉपर ट्रेंड्स पे और चाइना की कंजम्पशन पे, नॉट ओनली दैट अवेलेबिलिटी पे हमने फोकस रखना है। ये भी माइंड में रखें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो प्रोडक्शन है वो अब आगे आगे बढ़ती जाएगी, तो कॉपर का यूसेज भी बढ़ता जाएगा। तो लेट्स सी कहाँ पे जाती है, और हम भी आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू।